हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। दोस्तों, आज मैं आपको बेहद महत्वपूर्ण औषधि की जानकारी दे रहा हूं और साथ में जिन लोगों के बाल झड़ गए हो, गंजापन हो, इन लोगों के लिए आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण प्रयोग की जानकारी बता रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आप जो ये वनस्पति देख रहे हैं, इसका संस्कृत नाम अरिष्ट, मेघ्य और सर्पक्षी है। इसे मराठे में घाघरा और संकोचवर से जानते हैं, पंजाबी में गुतपुटना और झिंझुड़ कहते हैं। इसका हिंदी नाम छोटा धतूरा, छोटा गोखरू, घाघरा और संकाहुली है। इसे गुजराती में गाडरियू कहते हैं। इसका तमिल नाम मारुल उमाताई और तेलुगु नाम मरुलु टिंगे है। कन्नड़ में मरुलु माटी से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम कॉमन कोकलेबर और लेटिन नाम जांथियम स्टुअरियम है। यह वनस्पति वर्षा ऋतु की पहली बारिश होते ही सर्वत्र उत्पन्न हो जाती है। यह खेत खलिहान और सड़क के किनारों के दोनों ओर सरलता से नजर में आ जाएगी। यह पौधा एक खपतवार के रूप में उत्पन्न होता है। यह पौधा भारत के अलावा दक्षिण एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में भारी मात्रा में पाया जाता है। यह पौधा लगभग 1 से 4 फीट तक ऊंचा बढ़ता है। इसके पत्ते मुलायम होते हैं और अंजीर के पत्तों के समान दिखाई देते हैं। इसको कुछ लंबे और गोल फल लगते हैं जो बहुत कांटेदार होते हैं और कपड़ों पर चिपक जाते हैं। इस वनस्पति में विशेष रूप से औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये बहुत ही मूल्यवान औषधि है। इसके बीज मूत्रवर्धक, वेदनाहर और चंतुघ्न होते हैं। यह ज्वर का नाश करता है। यह पाचक, शीतल और भूखवर्धक है। इसके अलावा उदर रोग में हितकारी है। यह कृमि नाशक और मलेरिया तथा संधिवात का नाश करता है। यह गुर्दे के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसके फल एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होने से त्वचा रोग में बहुत लाभकारी है। त्वचा रोगों में इसके फलों का बाह्य उपचार किया जाता है और कब्ज, एसिडिटी, अतिसार में इसका आंतरिक सेवन किया जाता है। इसकी जड़ मलेरिया नाशक मानी जाती है। दोस्तों, गंजापन दूर करने के लिए इस औषधि का मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। किसी जानकार वैद्य की सलाह और इसकी निगरानी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो लोग गंजेपन का शिकार है, बाल झड़ गए हैं, इन लोगों के लिए ये औषधि किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके मुलायम और कोमल कोमल पत्ते को तोड़कर स्वच्छ पानी से धो ले और इसका रस निकाले। जितना रस हो, इससे लगभग आधा काली गाय का शुद्ध घी लेकर दोनों को आपस में अच्छी तरह मिलाए। फिर इसे एक लोहे की कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर गोबर के उपलों की मंदी आंच पर रखे। उसमें थोड़ी थोड़ी देर पर लोहे की कलछी से चलाते रहे। मुंह को और हाथों को अच्छी तरह ढक ले, क्योंकि ये मिश्रण उड़ने की संभावना रहती है। ये काम किसी जानकार वैद्य की निगरानी में करें। जब रस सूख जाए और घी मात्र शेष रहे, तब उतार कर ठंडा करके छान कर एक बोतल में भर कर रखे। अब इस तेल को सुबह शाम रोज आधा घंटा से एक घंटे तक सिर पर लगाए और मालिश करते रहे। ये आपको कम से कम 15 से 20 दिनों तक करना चाहिए। यह प्रयोग करने से लगभग 15 दिनों के आसपास में बाल नए आने लगते हैं और गंजापन मिट जाता है। दोस्तों, इस वनस्पति का आपके प्रदेश में किस उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका प्रयोग करते समय किसी जानकार वैद्य की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने स्नेहीजनों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।